टाटा टियागो के सीएनजी वेरिएंट को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पाई कर लिया गया, लेकिन इस बार इसको अनडिसगाइज स्पाई किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप टियागो और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2021 टाटा टियागो सीएनजी वेरिएंट की नई स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप टियागो सीएनजी के रियर एंड को देख सकते हैं, जहां पर यह टेस्टिंग मॉडल पहली बार किसी भी कवरिंग के टेस्ट किया जा रहा था, और इस मॉडल के बूट पर एक इमिशन टेस्टिंग किट भी फिटेड दिख रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ARAI टेस्टिंग किट थी, जिससे इसके इमिशन नॉर्म्स के लिए सर्टिफिकेशन के लिए इमिशन टेस्टिंग की जा रही थी, जो कि इस इमेज में इसके विंड स्क्रीन पर लगे हुए स्टिकर से कंफर्म भी हो जाता है। बाकी अगर इस मॉडल के फीचर्स की बात करूं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली टॉप एंड वेरिएंट था टियागो का, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स दिए हुए थे। तो ये तो होगी 2021 टाटा टियागो सीएनजी की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। टियागो सीएनजी में हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल बायोफ्यूल इंजन मिलेगा, जिसके साथ हमें एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड टियागो के पेट्रोल इंजन के 83 पीएस की पीक पावर और 114 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क आउटपुट से कम पावर जनरेट करेगा। शायद से टियागो सीएनजी वेरिएंट में ये इंजन 68 पीएस की पीक पावर और 90 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करे, और इस पेट्रोल सीएनजी कॉम्बिनेशन के साथ हमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा। तो ये तो होगी 2021 टियागो सीएनजी वेरिएंट के इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। अगर टाटा मोटर्स टियागो सीएनजी वेरिएंट को फुली लोडेड वेरिएंट्स में ऑफर करती है, तो इसमें हमें हैलोजन हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, हैलोजन टेल लाइट्स, LED DRLs, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक AC, मैनुअल डे नाइट IRVM, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस रिकॉग्निशन कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, ड्राइव मोड्स, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर फिक्स्ड हेडरेस्ट, रियर पार्सल ट्रे, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में टियागो सीएनजी वेरिएंट में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2021 टियागो सीएनजी के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। टाटा मोटर्स टियागो सीएनजी को 5.5 लाख से 8 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के थर्ड क्वार्टर में है, और लॉन्च होने के बाद ये मारुति सुजुकी वैगनर सीएनजी, सिलेरियो सीएनजी और होंडा ग्रैंड आईटेन सीएनजी जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2021 टाटा टियागो सीएनजी वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।